बिना तेल और बिना मसालों के मात्र 1 मिनट में बनने वाला टेस्टी और हेल्दी शरबत। इस शरबत को आप एक बार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या सुबह का नाश्ता में ले लेंगे तो आपको 4 से 5 घंटे भूख नहीं लगेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। शरबत बनाने के लिए हम लेंगे एक बर्तन। बर्तन में डालेंगे 4 चम्मच भुना हुआ चने का आटा या सत्तू। सत्तू आपको किसी भी राशन दुकान में आसानी से मिल जाएगा, या नहीं तो आप भुना हुआ चना लेकर के उसे ग्राइंड करके भी इसका पाउडर बना सकते हैं। सत्तू के पैकेट पे इस तरह चना का सत्तू लिखा हुआ होता है। चने का सत्तू को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सत्तू में आधा छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने से शरबत का स्वाद बढ़ जाता है और काला नमक हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब सभी इंग्रेडिएंट को चम्मच से हम मिला लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने चम्मच से मिला लिया है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के लिए यहाँ मैंने 1 मग पानी लिया है और हम इसमें 1 कप के बराबर पानी डालेंगे। पानी डालकर सत्तू को हम इस तरह मिला लेंगे। हमें एक बार में ही सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो सत्तू के शरबत में लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए, सत्तू पानी सोख लिया है। हम इसमें और पानी डालेंगे और फिर से मिला लेंगे। ये देखिए, सत्तू में मैंने अच्छी तरह से पानी मिला लिया है और इसका इस तरह का गाढ़ा घोल बन के तैयार हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने प्याज को बहुत ही महीन काट के तैयार किया है। इसमें बारीक कटा हुआ खीरा या ककड़ी डालेंगे और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती डालेंगे। 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे और इसमें लास्ट में 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को सत्तू में एक बार फिर से मिला लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें बचा हुआ पानी डालेंगे। पानी डालकर सभी इंग्रेडिएंट को एक बार फिर से चलाते हुए मिला लेंगे, जिससे शरबत में सभी इंग्रेडिएंट का फ्लेवर अच्छी तरह मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, शरबत बनके हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। सर्व करने के लिए हम लेंगे गिलास। ये देखिए, यहाँ मैंने लिया है 2 गिलास। ग्लास में सर्व करने से पहले हम एक बार शरबत को फिर से अच्छी तरह मिला लेंगे और अब हम इसे ग्लास में डालेंगे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, यहाँ मैंने शरबत को अच्छे से भर लिया है और अब हम इसे पुदीना के पत्ती के साथ सर्व करेंगे। और ये लीजिए, शरबत हमारा बनके तैयार है। आपको जब भी भूख लगे या खाना खाने का मन ना हो तो आप इस शरबत को मात्र 1 मिनट में बना के तैयार करके पी सकते हैं। सत्तू का शरबत वेट लॉस करने में भी मदद करता है, तो आप इसे घर में बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।